There was a special screening of the film Chalo, Jeete, Hain, directed by Mangesh Hadawale, held in Mumbai. The 32-minute short film is inspired by the early life of Prime Minister Narendra Modi. Based on his childhood, the movie portrays PM Modi as a kid who takes his inspiration from Swami Vivekananda. Directed by Mangesh Hadawale and produced by Mahavir Jain and Bhushan Kumar, and is presented by Mahavir Jain and Anand L. Rai. Chalo Jeete Hain was first screened at the Rashtrapati Bhavan on Tuesday for the President of India. The screening in Mumbai saw BJP President Amit Shah in attendance with Mumbai Chief Minister Devendra Fadnavis and wife Amruta, Mukesh Ambani, Sachin Tendulkar, Kangana Ranaut and Akshay Kumar, Prasoon Joshi, Preeti Jhangiani amongst others. It was Kangana Ranaut though who stole the headlines as she spoke strongly about why PM Modi should rightly be elected again as Prime Minister in the 2019 elections, as he had indeed done good governance. Let's hear more from the red carpet of Chalo Jeete Hain. बहुत ही touching film है और मैं चाहूँगी कि मेरा जो बेटा है वो इस film को देखे कि क्योंकि बहुत कम में जब एक बच्चा जब उसके खुद के पास इतना कुछ है नहीं लेकिन वो एक दूसरे बच्चे की मदद करना चाहता है तो वो किस तरह से कर पाता है और जब करने की चाह हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है ये हमें फिल्म से सीखते हैं तो आई थिंक ये चाह हर बच्चे में होनी चाहिए कि मैं जो कुछ भी मेरे पास है वो बहुत ही ज़्यादा है मैं उससे बहुत कुछ कर सकता हूँ चाहे ना सिर्फ अपने लिए लेकिन दूसरों के लिए भी तो दूसरों के लिए सोचना ये एक हमारे बच्चों को ये फिल्म सिखाएगी और हमें भी यही चीज़ सिखाएगी बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी एक ऐसी फिल्म जो हम लोग को सोचने पे एकदम मजबूर कर देती है कि हम लोग सोचते कि हम ढेर सारा पैसा कमाएंगे नाम कमाएंगे सब कुछ करेंगे और फिर वापस सोसाइटी को देंगे जो ये हिंदुस्तान ने हमें दिया है जो सोसाइटी ने हमें दिया है लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल इस फिल्म में नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है कि जब एक वो छोटा बच्चा था और वो चाह रहा था खुद गरीब होके कि वो किसी और को मदद करे किसी और को किसी और छोटे बच्चे को दाखिला दे स्कूल में उसने कैसे खुद कमाई करके अपने टैलेंट को यूज़ करके लिखने की टैलेंट को यूज़ करके पैसे कमा के एक बच्चे को स्कूलिंग करवाई और ये एक बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है इसका मतलब है कि हम जहाँ पे भी हो लाइफ में किसी भी छोटे से छोटे स्थान में छोटे से छोटे बैंक बैलेंस के साथ लेकिन हम परिवर्तन ला सकते हैं औरों की ज़िंदगी में बहुत सुंदर प्रस्तुति है मुझे तो लगता है जब भी बच्चों की बात होती है और बच्चों के माध्यम से और बच्चों के जिस तरह से बच्चे दुनिया को देखते हैं जब उस तरह से हम कहानियों को बताते हैं तो उसमें एक तरह की मासूमियत होती है और मुझे लगता है इस कहानी में एक मासूमियत है एक सच्चाई है जो एक छोटी सी फिल्म में आपके हृदय को छू जाती है कि इतनी छोटी सी बात हम बड़ों की दुनिया में बहुत पॉलिसीज में फंसी हुई दिखती है बट ये एक छोटी सी बात जब बच्चे कहते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ है जो हो जानी चाहिए थी और ये प्रयास सारे हो जाने चाहिए कुछ फिल्में होती जो दिल को छू दी कोई भी अच्छी फिल्म देखो दिल को छू लेती है लेकिन कोई फिल्म ऐसी होती है जो आपके जहन दिमाग रूह में चली जाती है ये वो फिल्म है हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए मैंने ली है इस वक्त ये सिर्फ हमारे मीडिया के सामने ये बोलने की बात नहीं है ये कि भाई आपको कोई बोले कि कुछ बोल दो और आपने कुछ कह दिया और उसके बाद आप चले गए ये जाने वाली बात नहीं है ये रहने वाली बात है ये रह गई है मैं अपने सारे हिंदुस्तान के लिए जीता हूँ मैं अपने संगीत के ज़रिए हर एक इंसान जो गम से गुजरता है उसकी तकलीफ दूर करना चाहता हूँ अपने संगीत के ज़रिए बहुत सी फिल्में आपने मेरे देखी होंगी जैसे कि बॉर्डर है LOC कारगिल है हमारे हिंदुस्तान के जवान जो कुर्बानियाँ देते हैं सबसे छोट बचपन में जो मोदी जी की कुर्बानी मैंने देखी कि उन्होंने एक नाटक प्ले किया और उसके बाद पैसा इकट्ठा कर कर अपने दोस्त के लिए यूनिफॉर्म ला के दिया वो कमाल की बात थी वो मैं रोया बहुत देखकर इससे नज़र आता है कि इतने महान इंसान क्यों हैं और ख़ास करके एक चीज़ मैंने नोटिस की स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेते हैं कमाल की बात है इनका नाम भी नरेंद्र है
नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र ही था। मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ, इनके अंदर का जज्बा जो है उसने मुझे अंदर से झिझोड़ दिया है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो कल नया दिन आएगा वो ज़रूर ये लेके आएगा कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हर इंसान के लिए जीना चाहता हूँ। उसे जीना कहते हैं, ये फिल्म वो प्रेरणा देती है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मैं कितना कहना चाहता हूँ कि वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ ग्रेट कंट्री। ही इज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट। वो ऐसा नहीं है कि अपने मम्मी पापा की वजह से इस मुकाम पे पहुँचे हैं, वो बहुत ही संघर्ष करके जो हैं, ही इज द राइटफुल लीडर ऑफ अ डेमोक्रेसी। वो हमने उनका चयन किया है, हम लोगों ने उनको चुना है, तो दिस कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हिम। दिस इज हिज वेल डिजर्व्ड प्लेस विच ही हैज नॉट ओनली डिजर्व्ड बट अर्नड बाय शेयर हार्ड वर्क। सो देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, देर शुडंट बी एनी डाउट अबाउट हिज क्रेडिबिलिटी एज अ प्राइम मिनिस्टर। 5 साल बहुत कम है किसी भी देश को खड्डे से निकालने के लिए। यू नो वी आर आर कंट्रीज इन अ पिट, वी नीड टू पुल इट आउट। सो 5 years आर नॉट इनफ।